क्या हुआ? भरोसा रखो सोना। अरे अरे डरो मत, फ्रूटी को कुछ नहीं होगा। अंतू अन्ना पलटू जल्दी। और मास्क लेकर डिपो पड़ा। अरे फ्रूटी के साथ ये लड़का कौन है? सुना ये अभिजीत है। उन पांच तत्वों में से एक तत्व इसका सितारा है। जब मैं जंगलिका के तीर से घायल होकर उन तत्वों की यात्रा पर जाने के लायक नहीं रहा, तब इस अभिजीत ने हमारी फ्रूटी की मदद की थी। वैसे है वो बड़ा घमंडी। परिमा, अगर अभिजीत पाताल लोक जा सकता है तो मैं क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि सोना तुम तो परी हो। अभिजीत न परी है न जिन, न ही वो इंसान है। वो तो ब्रह्मांड का एक सितारा है। वो तो खुद ही आग है, उसे कौन सी आग जला सकती है? तू जल्दी से पन्ना पलटो। क्या पाताल लोक से निकलने के लिए तुझे तीन दरवाजे पार करने होंगे? लेकिन अब तुम आ गए हो तो कोई चिंता नहीं है। चिंता तो है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं सितारा हूँ, मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ, मुझे किसी दरवाजे की जरूरत नहीं। लेकिन तुम एक इंसान हो, तुम्हें तो उन तीन दरवाजों से ही गुजरना होगा। तो क्या तुम मुझे अपने साथ उड़ाकर नहीं ले जा सकते? नहीं, मैं तो सितारों की रफ्तार से चलता हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो तुम जल जाओगे। तो फिर हमें पहले उन तीन दरवाजों को खोजना होगा। चलो अभिजीत, वो देखो। जहां तक मुझे पाताल की जानकारी है, पाताल से निकलने का पहला द्वार एक ज्वालामुखी के पास है। पर फ्रूटी तो ज्वालामुखी के पास पहुंच चुकी है। इसका मतलब है फ्रूटी पहले द्वार पे है। अभिजीत, वो देखो, ये जो झरना है उसके ऊपर वो पत्थर है, उस पर मास्क बना हुआ है। क्या ये वही मास्क है? नहीं बुद्धू, ये तो पाताल से निकलने का पहला दरवाजा है। सोना आंटी ने कहा था कि हर दरवाजे पर मास्क की ऐसी ही निशानी होगी। मगर यहाँ तो सिर्फ लावा है। हो सकता है कि इस लावे के पीछे कोई और दरवाजा हो। मुझे तो नहीं लगता। नहीं नहीं, जरूर है। चलो तुम्हारी तसल्ली के लिए देख लेते हैं। अभिजीत है थोड़ा घमंडी, पर बुरा नहीं है। नहीं नहीं, बुरा नहीं, बहुत अच्छा है।
ना पलटू अल्तू। हाँ हाँ भाई। तसल्ली रखो दोस्तों, बहुत दिनों बाद जरूर आया हूं, पर बहुत दिनों तक राज भी करूंगा। बुराई के बहादुर नाकाम हो गए तो क्या, फ्रूटी पहला द्वार पार कर गई तो क्या, दूसरे द्वार पर मेरा वफादार गुलाम जालिम चरायु है, जालिम चरायु। आका के खिदमत में गुलाम जरायु का सलाम। हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं जरायु, इसलिए हमने तुम्हें दूसरे द्वार के पहरे पर रखा है। शुक्रिया आका, आपकी मेहरबानी। जरायु, एक लड़की है जो मेरे सामने सर झुकाने से इनकार करती है, उसे मेरी गुलामी करना पसंद नहीं। नादान है आका। उसे इतना सताओ, इतना दर्द दो कि वो हमारे सामने सर झुकाने को मजबूर हो जाए। आप बेफिक्र हो जाएं आका, मैं उस लड़की को मसल के रख दूंगा। हमें तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी जरायु। जाओ। जो हुक्म मेरे आका। वाह, क्या ठंडी ठंडी पवन चल रही है, मजा आ रहा है ना? तुम्हें मजा आ रहा है? मेरी यहाँ ठंड से जान निकल जा रही है। फिर पहले क्यों नहीं कहा? ये लो, ये पहनो, इससे तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। थैंक यू। वेलकम। लेकिन तुम्हें तो ठंड नहीं लगेगी ना? अरे सवाल ही नहीं है। सिर्फ फूटी, अगर मैं तुम्हें अपने साथ कहीं ले जाना चाहूँ तो तुम चलोगी? कहाँ? सितारों की दुनिया में। देखेंगे, लेकिन पहले यहाँ से तो निकालो। यहाँ से तो मैं तुम्हें निकाल ही दूंगा, पहले तुम ये बताओ कि तुम मेरे साथ चलोगे कि नहीं। तुम तो ऐसा कह रहे हो कि जैसे आज ही जाना है। आज ही तो जाना है। क्यों, आज क्या खास बात है? आज दिन तारा तुम है। दिन तारा तुम, वो क्या होता है? तुम देखोगी तो सब समझ जाओ। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि ब्रह्मांड की रचना के समय जो तारे जहाँ थे, दिन तारा तुम के दिन सभी को वापस लौट कर वहीं जाना पड़ता है। ऐसा क्यों? नियम है। और पता है, अगर कोई तारा वापस ना भी जाना चाहे तो बाकी के तारे उसे खींच कर अपनी जगह पर पहुंचा देते हैं। थोड़ी जबरदस्ती है, लेकिन वहां का नजारा बहुत खूबसूरत होता है। ऐसा नजारा हजारों सालों में एक बार देखने मिलता है। तो फिर वहां तुम क्या करोगे? जश्न होगा, बहुत मजा आएगा। तुम चलोगी? अभिजीत, कह तो दिया चलूंगी, पर पहले यहाँ से निकलने में मेरी मदद तो करो। कैसे हो तुम, एक बार पकड़ ली तो पीछे पड़ जाते हो। जालिम जरायु से बचकर कोई भी नहीं जा सकता।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।